सत्संग में सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया डॉक्टर रवि साहब का, मैडम का, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आने का। मैं बिल्कुल मुख्तसर आप लोगों को चंद चीजें फोटोग्राफी के बारे में जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो एक मैं एक इंकशाफ ये करूंगा कि ये इस बुक की जो लॉन्चिंग है वो यहाँ पे पहली दफा नहीं हुई। सबसे पहले ये बुक नजम साहब ने ये जो मुहानाज हैं इनके साथ दरियाए सिंध के किनारे उन लोगों को इकट्ठा करके और उनको बता के तो ये चीज जो है वो लॉन्चिंग की, जो कि इनकी उनसे मोहब्बत और डेडिकेशन को जो है वो जाहिर करती है। फोटोग्राफी जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है और इसी चीज को लेकर के फोटोग्राफिक टूरिज्म जो है वो आजकल बहुत ज्यादा दुनिया में पॉपुलर है। और फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो तीन मेन चीजों को फोकस करके अपना काम कर रही है, जिसमें सबसे पहले फोटोग्राफिक टूरिज्म है, जिसमें हमारे मेंबर्स जो कि पाकिस्तान के पूरे टूर वर्ल्ड में फैले हुए हैं और मुख्तलिफ जगह के ऊपर वो कल्चर्स को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और हर फोटोग्राफर जो है वो हिस्टोरियन है हमारे लिए, क्योंकि आज वो जो चीज डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कल को वो चीज हिस्ट्री बनेगी और वही चीज आर्काइव्स में जाएगी, वही रेफरेंस के तौर के ऊपर यूज होगी और वही तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में जाके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि अफ्रीका में या और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में लोग जो है वो वहां की फोटोग्राफी को देखते हैं पहले और फिर उसके बाद जो है वो उन जगहों के ऊपर जाते हैं। दूसरा, हम लोग फोटोग्राफर्स की स्किल्स को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहते हैं। और तीसरा ये पब्लिकेशंस, क्योंकि प्रिंट फॉर्म में प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जो है उसको पब्लिश करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो एक हार्ड फॉर्म में आप लोगों के पास ये चीज मौजूद रहे। और ये सारी चीजें कोई भी सोसाइटी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब तक के गवर्नमेंट की और बड़ी इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट नहीं होती उसके बगैर उसका चलना और कामयाब होना मुमकिन नहीं होता। तो मेरी इस मौके के ऊपर मैडम रजाला से भी दरख्वास्त होगी कि जो फोटोग्राफी की और आर्ट की मुख्तलिफ जो सोसाइटीज हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट की जो है वो लाजमी सपोर्ट होनी चाहिए ताकि जो उनके आइडियाज होते हैं उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सके और सक्सेसफुली जो है वो किया जा सके, लोगों के लिए ये चीज पेश की जा सके। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नजम साहब को मुबारकबाद, डॉक्टर साहब को और सिल्क रोड रोड वाले सिल्क रोड सेंटर को भी बहुत मुबारकबाद कि ये इतना कामयाब आप लोग।